Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सब ये जहर से भरा हुआ ग्लास महंत व्यास के बेटे तक पहुंच जाए। कौन हो सकता है? मुझे जल्दी जाकर उसे पकड़ना होगा इससे पहले वो भाग जाए। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? ये कैसी आवाज आई? ये पलड़ा कैसे गिर गया? ये भोलेनाथ, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। सौरा जी, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि नीलकंठ की बुआरी इस तरह से अचानक उठकर क्यों चली गई, जबकि वो जानती है कि सारा देवप्रयाग इस तुला कार्यक्रम को देख रहा है। कौन है? कौन है यहाँ पे? ये महंत व्यास की बहू को कैसे पता चला कि कमरे में कोई है? कौन है यहाँ पे? ये कैसे हो सकता है? चाहत ही महंत व्यास की बहू है। देखिए, आप जो कोई भी है बाहर आ जाइए। मैं जानती हूँ आपने ही पंचामृत में कुछ मिलाया है ना। मैं कह रही हूँ आप चुपचाप बाहर आ जाइए। Thank you.
वैसे तुला कार्यक्रम का अपमान करने का क्या मतलब है? नीलकंठ के बुआरे, तुला से उठकर आ जाने का अर्थ क्या है नीलकंठ की बुआरी? शुभ अवसर पर तुला दान करना हमारे परिवार की परंपरा है, हमारा सम्मान जुड़ा है इस परंपरा के साथ। उन्हें आज केवल इस परंपरा का, पीढ़ियों पुरानी परंपरा का, बल्कि हमारे परिवार का अपमान किया है। व्यास जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने वहां नीचे से देखा, कोई इस कमरे में था। कोई है जो आपको बेइज्जत करने के लिए इस घर में घुस आया है। मैं झूठ नहीं कह रही। कोई है जो इस परिवार की खुशियों को छीनना चाहता है। जो हमारे घर की बहू सारे गांव के सामने सौरा जी का अपमान करने पर तुली हो, तो बाहर वालों को यह कार्य करने की जरूरत क्या? अच्छा बल, एक मिनट। साबित कर सकती है कि कोई हमारे परिवार पर कीचड़ उछालने के लिए यहां घुस आया है? क्या हुआ? आप सब प्लीज यहां से आगे मत आइए, और हो सके तो अपने नाक और मुंह को रुमाल से कवर कर दीजिए। ये सब चल क्या रहा है नील की बारी? नाक मुंह ढकने का कारण क्या है? व्यास जी, वहां पे हंडों से भरी हुई बोरी है। यही बताने की कोशिश कर रही थी मैं आप सबसे, किसी ने आपकी इज्जत पर ताक लगाने के लिए वहां दान के सामान के साथ अंडों से भरी बोरी रखी थी। और व्यास जी, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से आपका। मेरा मतलब है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो। जमना, मैं देखता हूं। अरे इसमें तो गेहूं है बहू। प्लीज मेरा यकीन मानिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।